हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर 1 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इससे पहले वाला टॉपिक था वेरिएबल सेपरेबल, जो कि मैं बता चुकी हूँ, सो आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, अगर आपको वो वाली वीडियोस देखनी है। आज मैं बताऊँगी आपको चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मैं आपको चेंज ऑफ वेरिएबल बताऊँगी कैसे करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको और अच्छा समझ में आएगा। सो अगर आपको ये वाला टॉपिक समझना है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो आप देख लें, सो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये वाला टॉपिक। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, हम वेरिएबल सेपरेट करते थे और उसका इंटीग्रेशन करते थे और हमारा आंसर आ जाता था। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना चाहूँगी या वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करूँगी तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। आप कर देख लीजिएगा, बिकॉज जब मैं यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई बनेगा। फिर उसको हम सेपरेट करना चाहेंगे ना, तो वो फिर भी सेपरेट नहीं होगा। तो वेरिएबल सेपरेट का जो मेथड है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर मेथड लगेगा चेंज ऑफ वेरिएबल्स का। सो मैं आपको बताती हूँ चेंज ऑफ वेरिएबल्स कैसे होते हैं। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दिख रही है x माइनस वाई, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कुछ भी। सो मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, लेट x माइनस वाई इक्वल्स टू v। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, चेंज ऑफ वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन जो होता है ये थोड़ा सा लेंदी जाता है, सो इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई को v लेट कर लिया, और अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी विद रेस्पेक्ट टू x। ऑन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगी। सो एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 माइनस वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी का डी वी ओवर डी एक्स, ये मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया है। सो मैं यहाँ से अगर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, 1 माइनस डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स को इधर ले आई हूँ इसलिए प्लस का हो गया, डी वी ओवर डी एक्स को इधर ले गई हूँ इसलिए माइनस का हो गया। तो मेरे पास यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल कर आई है 1 माइनस डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। सो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ, तो मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं क्या करती हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख देती हूँ और x माइनस वाई की जगह v रख देती हूँ। तो x माइनस वाई की जगह v स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह 1 माइनस डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर इट इज रहेगा, ये मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं v स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा ले रही हूँ, तभी हमारा सेपरेट हो पाएगा, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कुछ नहीं कराया मैंने, अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई करा दी है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले वी स्क्वायर को इधर ले जा रही हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला वी स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स को मैं इक्वल्स टू के इधर ले जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद अब देखिएगा फ्रेंड्स मैंने क्या कराया, इस ए स्क्वायर को मैं इधर ले आई हूँ, तो ये माइनस का हो गया वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वाला एज इट इज़ है, वो इक्वल्स टू, मैंने लेफ्ट और राइट साइड चेंज किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे हम, वी वाले के पास वी वाले टर्म और एक्स वाले के पास एक्स वाले टर्म। तो यहाँ पर डी वी के पास मैंने लगा दिया वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स का कुछ एक्स का टर्म तो है नहीं, तो डी एक्स अलोन रहेगा। के बाद वी स्क्वायर डी वी ओवर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स बचा, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, उसके बाद मैंने क्या कराया इसमें माइनस ए स्क्वायर कर लिया, प्लस ए स्क्वायर कर लिया डी वी डी एक्स,
उसके बाद मैंने इसको सेपरेट कर लिया, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी और डी एक्स। फिर उसके बाद इसका वन, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका वन और ये एज इट इज रहेगा, और इधर एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। अब देखिएगा v के रिस्पेक्ट में, वन का तो v हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है वन अपॉइंट टू, जिस तरह होता है ना वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ v की जगह अगर x हो तो होता है वन ओवर टू ए लॉग x माइनस ए लॉग x प्लस ए। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। इस फॉर्मूले से मैंने, इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगी इस वाले सम में, इस वाले क्वेश्चन में मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगी, वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन ओवर टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, आपको याद भी आ गया होगा। सो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो वन का वी प्लस वन ओवर टू ए, और यहाँ पर ऑलरेडी एक ए स्क्वायर है, लॉग एक्स माइनस ए लिखते, बट एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह आपका वी, तो हम लिखेंगे v माइनस ए ओवर वी प्लस ए। ओके, उसके बाद इधर करेंगे, इधर कितना होगा dx का x प्लस एक कांस्टेंट c यहाँ जुड़ जाएगा। सो अभी हमारा सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन, अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हमें वापस जाना है, क्या करना है, v की जगह पुट कर देना, v की जगह कितना पुट करना है, x माइनस वाई जो हमने लेट किया था, पुट हमने पीछे लेट किया था, अभी यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू की v, तो v की वैल्यू तो वापस करनी है ना उसे, तो v की वैल्यू क्या थी, x माइनस वाई, तो हम v की वैल्यू वापस देंगे इसे, जहाँ जहाँ v होगा वहाँ पर हम x माइनस वाई रख देंगे। सो रखते हैं जहाँ v है वहाँ पर क्या रखना है हमें, x माइनस वाई प्लस, यहाँ पर देखिएगा ए स्क्वायर से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा प्लस ए अपॉन टू लॉग लॉग, ऊपर मैं वी की जगह क्या रखूँगी, एक्स माइनस वाई माइनस ए, नीचे एक्स, नीचे मैंने रख दिया एक्स माइनस वाई प्लस ए। ठीक है, और इक्वल्स टू में कितना चल रहा है हमारा, इक्वल्स टू में चल रहा है एक्स प्लस सी। सो देखिए ये वाले एक्स से ये वाला एक्स इक्वल्स टू वाला तो कैंसिल, अब कितना बचा माइनस का वाई और ये वाला पूरा टर्म और ये, तो इसका आंसर को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, आंसर हो जाएगा ए, या मैं एक काम करती हूँ, हाँ ऐसी कर लेती हूँ, ए बाय टू, ए बाय टू लॉग एक्स माइनस वाई माइनस ए ओवर एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल्स टू, वाई को उधर ले जा रही हूँ मैं, तो बन जाएगा वाई प्लस सी। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स कैसे है, इसमें हमें कुछ ऐसे टर्म्स को वी लेट करके सॉल्व करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।